हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मॉर्निंग वाले सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम के कुछ और क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस को दूसरे चैप्टर के साथ मिक्स करते हैं, स्पेशली कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ। तो कुछ क्वेश्चंस हैं मिसलिनियस वाले, जिसको कंटिन्यू करते हुए कुछ और टिप्स और ट्रिक्स हैं हाफ एन आवर के सेशन में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। मैं हूँ आप लोगों का मैथमेटिक्स का मेंटर ओम शर्मा। तो चलिए आज का जो लेसन है उसको हम स्टार्ट करते हैं। मिसलिनियस प्रॉब्लम, ठीक है, चैप्टर के साथ इंटरमिक्सिंग देखेंगे और डिफरेंट प्रोफाइल के क्वेश्चंस का और फिर से इसके अंदर हम रिवीजन करने वाले हैं। दो टाइमिंग पर मैं आप लोगों से मिलता हूँ, ये मॉर्निंग वाले टाइम पर हम आप मिलते हैं आपसे अलजेब्रा के लिए और इवनिंग वाले टाइम पर हम मिलते हैं कैलकुलस के लिए, ठीक है गाइस। और दोनों पर हम आप लोगों के लिए काफ़ी सारी चीज़ें क्वेश्चंस में लेकर आता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप जो चार महीने बचे हैं जेई मेन के, उसके बाद जेई एडवांस के जो टाइमिंग है उसको आप प्रैक्टिस कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। अगर आप KVPY के एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो भी बेटा वहाँ पर ट्वेल्थ के लिए बात कर रहा हूँ, ट्वेल्थ क्लास के लिए, तो वहाँ पर ये सारे टॉपिक्स सारे आते हैं। जेई का पूरा सिलेबस ट्वेल्थ के लिए आता है, इलेवंथ वाला जो KVPY वाला पोर्शन होता है उसमें तो थोड़ा टेंथ का बेसिक ज्योमेट्री बेसिक पार्ट आता है जो RMM वाला कॉमन है, और थोड़ा कॉम्बिनेटरी वाले क्वेश्चन जो होते हैं इलेवंथ क्लास की वो वाली चीज़ें आती हैं। लेकिन जो KVPY में SX वाला पार्ट है उसके अंदर तो जो JEE का सिलेबस है वही KVPY का सिलेबस है, ठीक है। तो आप कहीं पर भी देख लीजिए सिलेबस, अगर कॉमन, अगर आप NDA का एग्जाम देने वाले हैं तो भी आपके लिए कैलकुलस वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफ़ी आता है, अलजेब्रा भी काफ़ी आता है। तो जितने भी ये इंजीनियरिंग के एग्जाम्स हैं सभी के लिए अगर हम देखें तो हम एक बार JEE का सिलेबस तो कंप्लीट करना ही होता है। ये मेरे बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन मेरे बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा। आपको ये जो लेक्चर डिलीवर हो रहा है डायरेक्टली कोटा से डिलीवर हो रहा है, ये कोटा से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आई एम टीचिंग इन कोटा फ्रॉम पास्ट 12 ईयर्स, दिस इज माई 13th ईयर, एंड कोटा में काफ़ी इंस्टीट्यूट्स में मैं पढ़ा चुका हूँ। नाउ आई एम विद अनअकैडमी, ठीक है, दिस इज माई 13th ईयर इन टीचिंग, सो अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस आप सबके काम में आने वाला है। आप फुल एनर्जी के साथ, डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंटली अगर होमवर्क करते हैं तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता है, ये आप पक्की बात मान के चलिए। अगर आप रोजाना करते हैं, ऐसा नहीं कि चार दिन में एक बार मोटिवेशन आया उसके बाद फिर तीन दिन बाद ठंडे हो गए, ऐसा नहीं, रोजाना। और रोजाना हम आपसे मिलते हैं तो बस हमारे साथ हमसे एनर्जी लीजिए, पढ़ते जाइए, पढ़ाई की ही बातें यहाँ पर होती है, तो कोई नुकसान तो है नहीं आप लोगों का, पढ़ाई में क्या नुकसान है, पढ़ते जाइए, ठीक है। तो जो आपका सपना है वो हमारा सपना बन जाएगा, ठीक है। अनअकैडमी की ऐप अगर आपने इंस्टॉल कर ली तो आप इस URL पे जाइए, @omsir पे जाएंगे तो अब मैं आपको वहां मिल जाऊंगा, ठीक है। यहां आपको थम्स अप करते हुए मैं आपको दिखूंगा, आपको विश करते हुए काफ़ी सारी चीज़ें, कि चाहे वो मैथमेटिक्स फंडामेंटल हो या गुड लक हो या फिर मैं आपको हार्ड वर्क बोलता रहूँगा कि भाई हार्ड वर्क करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ये सारी विशेष मैं आपको देता रहूँगा कि हार्ड वर्क करिए। और काफ़ी सारे लेसन्स भी ऑफलाइन वाले लेसन्स भी वहाँ पर रहते हैं, जिस पर मैंने लास्ट ईयर्स के 42 ईयर्स के कॉम्प्लेक्स नंबर के मैंने पूरे लेसन्स वहाँ बना दिए हैं। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के ऊपर भी सेम काम वहाँ पर किया है, ठीक है गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ में आपको कोर्सेज के बारे में बता देता हूँ कि कोर्सेज किस तरह के प्लस वाले प्लेटफॉर्म पर चल रहे हैं। ये वाला कोर्स है बेटा 1 PM पर, ओके, आफ्टरनून का टाइम, जब आप स्कूल से भी फ्री हो जाते हैं। तो यहाँ पर अलजेब्रा के साथ मैंने पिक किया है वेक्टर 3D को, और वेक्टर 3D के बाद मैंने यहां पर शुरू करने वाला हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये है कैलकुलस की बात, कैलकुलस में यहां पर पहले डिफरेंशियल कैलकुलस, अभी फंक्शन चैप्टर वहां पर चल रहा है, और फिर एक इंटीग्रल कैलकुलस भी सीखेंगे इसी के अंदर। ये दोनों कोर्स, इसकी टाइमिंग रहेगी 6 PM और ये है 1 PM, ओके, सो 1 PM ये है 6 PM, दोनों का अगर हम देखें तो दोनों के सिलेबस में आपको 20 दिसंबर तक कंप्लीट करके दे दूंगा। अब आप बताइए मैथमेटिक्स में बचा क्या, फिर सारी चीज़ कवर हो गई आपकी, डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस बेसिक से, जीरो से, और जेई एडवांस लेवल की मैं यहाँ वाले कोर्स में पढ़ाने वाला हूँ। तो फटाफट से आप लोग प्लस के सब्सक्रिप्शन लीजिए और यहाँ पर पहुँचिए, डिफरेंशियल कैलकुलस इंटीग्रल कैलकुलस दोनों आपको यहाँ मिल जाएगा 6 PM पर, और यहाँ पर अलजेब्रा और वेक्टर 3D के जो प्लस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अलजेब्रा, वेक्टर 3D एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सब आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा, और बाय 20th of December तक दोनों चीज़ें हम लॉक कर देंगे। गॉट इट गाइस, इसका टाइमिंग भी आपको सफिशिएंट टाइम रहेगा 1 PM पर, और इसके लिए टाइमिंग इवनिंग वाला 6 PM पर। तो ये सब आपके लिए, अगर आप किसी रीजन से या जे एडवांस लेवल, ये बोर्ड के लिए नहीं पढ़ाने वाला हूँ, जे एडवांस लेवल फुल डेप्थ में मैं पढ़ाने वाला हूँ, जितना एक्सपीरियंस मुझे रहा है सब आप लोगों के लिए। मैं तो चाहूँगा कि आप भी IIT बॉम्बे जाएं
ज़्यादा से ज़्यादा तक सब अपने अपने कॉलेजेस को अच्छे से अच्छा इम्प्रूव कर सकें, अपनी रैंक को बूस्ट कर सकें। ठीक है गाइस, तो इन दोनों के बारे में फोकस करिए, चाहे वो डिफरेंशियल कैलकुलस इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ना हो, ये मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा सेगमेंट 6 बजे कवर हो जाएगा, और अलजेब्रा वेक्टर 3D और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये वाला जो पोर्शन है ये 1 बजे कवर हो जाएगा। समझ रहे हो, 2 क्लासेस अटेंड करनी है आपको, सब कवर पूरी मैथमेटिक्स विद इन 4 मंथ। तो बाय 20th December आप फ्री रहेंगे, फिर बचे हुए जो दिन रहेंगे जिसमें 10-15 दिन बचेंगे उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे जेईई मेन के हिसाब से और। ठीक है, चलिए आपको थोड़ा सा मैं सब्सक्रिप्शन चार्जेस के बारे में बता देता हूँ। उसके पहले एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है, फीचर सिंपल सा है कि अगर आप जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं और हम आपको पढ़ा रहे हैं तो बात आती है फिर डाउट्स की। डाउट्स क्लियर हो गए, डाउट्स क्लियर होने के बाद तो टीचर्स जब पढ़ाते हैं, जब डाउट क्लियर होते हैं डाउट सेशंस में टीचर्स आपके साथ रहता है, एक्चुअल एनालिसिस कितना समझ में आया नहीं आया तब पता चलता है जब आप लिखते हैं टेस्ट। सो टेस्ट सीरीज का फीचर भी आपके लिए अवेलेबल है, फ्री में रहेगा इसी पर कॉम्बिनेशन के अंदर ही, जो अनअकैडमी का प्रोडक्ट है उसी के अंदर है, तो इट्स इंटीग्रेटेड है, तो उसका कोई अलग से चार्जेस नहीं है, तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ दिस। तो क्या चार्जेस हैं इनके वो मैं आपको बता देता हूँ। चार्जेस ऐसे हैं कि इफ़ यू आर इन 11th क्लास तो लेक्चर्स के साथ ही ये टेस्ट सीरीज भी, उसका कोई अलग से चार्जेस नहीं है। ओके, तो अगर आप 11th क्लास में हैं तो आप 2 साल का प्लान ले लीजिए, आपको ये मिलने वाला है 40,000 का। अगर आप 12th में हैं या आप ड्रॉपर हैं तो फिर आप 1 साल का प्लान ले लीजिए और ये आपको मिलने वाला है 25,000। लेकिन अगर आप एक रेफरल कोड यूज़ में लेते हैं, जो रेफरल कोड है मेरा नाम, आप मुझे ओम सर बोलते हैं, ओम मेरा नाम है सर, आप बुलाएंगे तो ओम सर से अगर लिखेंगे तो आपके दोनों प्राइसेस कम हो जाएंगी। ये रह जाएगा 36,000 पर और ये रह जाएगा 22,500। ये सिर्फ मैथमेटिक्स के चार्जेस नहीं है कि जो मैंने क्लासेस आपको बताई हैं उन्हीं के चार्जेस बता दिए, नहीं, आप इसमें फिजिक्स पढ़ सकते हैं, मैथ्स पढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, और हर एजुकेटर से जो इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर सब वहाँ पर अवेलेबल है आपको, जिनसे ट्यूनिंग बैठ जाए आपको, जो टीचर्स अच्छे लगे कि हाँ मेरा सपना पूरा करने में मुझे ये वाले टीचर एज ए मेंटर चाहिए, तो आप उनसे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबके लिए फीस है, एक बार सब्सक्राइब करना है आपको और सारा जो आपके लिए अनलिमिटेड एक्सेस है जो अवेलेबल हो जाएगी, तो लेक्चर्स डाउट्स प्लस टेस्ट सीरीज। ओके, और दिस वेरी चीप, इससे सस्ता आपको पूरे इंडिया में कहीं मिलेगा नहीं विद द क्वालिटी विच वी आर प्रोवाइडिंग। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़े। आप देखिए अगर छोटे प्लान लेंगे तो फिर मंथली चार्जेस बढ़ता चला जाता है, 1 महीने का चार्ज 5,000 है, 3 महीने का 4,000 है, 6 महीने का 3,000 है, अगर आप साल भर का जाएंगे तो 2,000 मंथली बनने वाला है। ठीक है, थोड़ा सोचिए, बना दीजिए प्लान, और अब लेट मत होइए, अब लेट होने के लिए टाइम नहीं है, अब एग्जाम आ रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट, आगे वाली बात को सीखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। इफ 1+x+ बाइनोमियल थ्योरम की मैं बात करने वाला हूं, जो मैंने पहले भी बताया कि बाइनोमियल थ्योरम पर हम कुछ और मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे, किस तरीके से किसी और टॉपिक के साथ चैप्टर के साथ इसको मिक्स किया जाता है, उस तरह के प्रो क्वेश्चन भी आज हम करेंगे। अभी तो हम इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि 2 की जगह 3 टर्म लिखी हुई है तो किस तरीके से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसको बनाने की कोशिश करेंगे सभी, कि 1+x+2x² की पावर है 20 और a₀, a₁x, a₂x² a₄0 x 40 लिखा हुआ है और हमें कुछ डेटा निकालने को बोला जा रहा है, तो बनाने की कोशिश करते हैं कि ये है 1+x+2x² पावर है 20 है पावर, और यहाँ पहुँचेंगे हम a₀, a₁x, a₂x² a₃x³ और आगे हम बढ़ते हैं a₃x⁻⁹, a₄x⁴⁴। गॉट इट, ये तो गिवन है, निकालना क्या है वो देखिए, a₁, a₃, a₅, a₃⁷, a₁, a₃ ऑड नंबर वाले, मतलब a₁ यानी प्लेस नंबर तो इवन है, a₁, a₃, a₅ उन सब के बारे में बात की जा रही है, तो मैं क्या नज़र आता है कि यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, क्या नज़र आ रहा है। देखो सीधी सी बात है, x का रोल तो नज़र ही नहीं आ रहा जो पावर में आने वाला है, सिर्फ कॉफिशेंट का सिंपल समेशन लिखा हुआ है, तो बिल्कुल सही सोच रहे हो कि हमें कुछ यहाँ पर पुट करना चाहिए, और क्या पुट करने की सोच रहे हैं, एक बार सब 1 पुट कर लेते हैं और एक बार -1 पुट कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या बनता है। तो बनाने की कोशिश करिए और बनाइए, एक बार 1 रख के देखिए, एक बार -1 रख के देखिए, पहुंच जाओगे आप आंसर तक, ट्राई करिए, ज़रूर पहुंचोगे, जस्ट ट्राई इट।
तो ये पूरा एक्सपेंशन जो लिखा हुआ है, एक बार वन रख देंगे और एक बार माइनस वन रख देंगे। ट्राई करिए, जरूर पहुंचेंगे आप यहां तक कि क्या पहुंचने वाली है बात। ट्राई करिए, तो वन अगर हम रखते हैं तो कितना बन जाता है, वन प्लस टू, ये बन जाएगा फोर, फोर पावर ट्वेंटी। मैंने अक्सर देखा है कि जब मैं हाथों हाथ करने लग जाता हूँ तो स्टूडेंट बोलते हैं सर थोड़ा सा रुक जाओ, लेट अस ट्राई। तो लेट यू ट्राई, आई एम अलाउविंग यू टू ट्राई, आप करिए। एंड दे दिया मैंने, लो हट जाता हूँ मैं सामने से। पूरा एक्सप्रेशन देख लीजिए और बना के देखिए, कॉपी पेन लेके बैठा करो। मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं हम, तो कथा नहीं सुन रहे कि अब भगवान राम आएंगे, अब ऐसा होगा, अब रामायण में रावण आएगा, कंस आएगा, ऐसा नहीं हो रहा है। मैथ्स पढ़ रहे हैं बेटा, मैच पढ़ रहे, तो कॉपी पेन लेके बैठो और थोड़ा बनाने की कोशिश करो। और कोई बात अच्छी लगे तो उसका सीधा सा स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं, मोबाइल पे पढ़ रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें, अगर आप डेस्कटॉप पे हैं तो वहाँ भी आई थिंक प्रिंट स्क्रीन हो जाता है, स्क्रीन का प्रिंट तो आ ही जाता है, तो दैट कैन हेल्प यू। ट्राई करिए, तो वन और माइनस वन रखने के बाद चेक करिए कि क्या डेटा निकल के यहाँ से आने वाला है। बन गई बात, आ गया आंसर, कर लिया होगा अब तक तो, इतना टाइम तो लगता नहीं है। यहाँ आएगा ए जीरो, यहाँ आएगा ए वन, यहाँ बन जाएगा ए टू, ये है ए थ्री, ये है ए फोर, यहाँ ए फाइव भी आएगा और ये चलती जाएगी प्रोसेस कहाँ तक, ए थर्टी नाइन तक और ए फोर्टी तक। अब माइनस वन रखेंगे तो देखो, वन माइनस वन विल बिकम जीरो और यहाँ टू बन जाएगा, ये बन जाएगा टू पावर ट्वेंटी। यहाँ आएगा a0 माइनस a1 प्लस a2, क्योंकि a2 पर स्क्वायर होगा तो माइनस वन का स्क्वायर वन बन जाएगा। फिर आएगा माइनस a3 प्लस a4 माइनस a5 माइनस a39 प्लस a40। अब क्या चाहते हैं वो देख लीजिए, हम a1 a3 a5 चाहते हैं टेक डिफरेंस। डिफरेंस ले लेंगे दोनों साइड का, यहां से कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 4 पावर 20 माइनस 2 पावर 20 इक्वल टू डबल a1 प्लस a3 a5 और यहां प्लस बन जाएगा a39। ओके बन गई बात, a40 कैंसिल, तो ये सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएगा। एक सेकेंड, कौन सा कैंसिल कर दिया, A1 कैंसिल नहीं करना है, A3 वाला कैंसिल होगा। ओके, फर्स्ट वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल गेट्स कैंसिल्ड, ये भी कैंसिल हो जाएगा, A4 भी कैंसिल हो जाएगा, A40 भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब स्कोर इसको देख लीजिए क्या आ रहा है, A1, A3, A5 और A37 तक तो लिखा हुआ है, बात ये है कि 39 वाले टर्म नहीं है, तो इस 39 वाले का हमें कुछ करना पड़ेगा। तो यहां पर पहले इसको थोड़ा सा तो सिंपल कर ही लेते हैं हम, कि हम पहुंच गए A1 से लेके A3, A5 और A37 भी आएगा और A39 भी रहेगा, और ये बन जाएगा हाफ जो इधर आया उसके साथ, और इधर कितना आया है, 2 4 पावर 20 माइनस 2 पावर 20 4 पावर 20 माइनस 2 पावर 20 लिखा हुआ है, तो 2 पावर 20 को कॉमन ले लीजिए आप, यहां बन जाएंगे आप 2 पावर 20 माइनस 1 अपॉन 2, सो 2 पावर 19 एंड 2 पावर 20 माइनस 1। गॉट दिस वन। अब डेटा निकालना है हमें किसका, ये निकाल कर लेकर आना है कि A39 कैसे निकलेगा, तो स्मार्ट क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, तो A39 नहीं है यहाँ पर, तो A39 निकालने की कोशिश करते हैं। 1 प्लस एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर पावर्स 20, ए वन ए जीरो, 39 निकालने का मतलब है x की पावर 39, तो इसके अंदर हम x की पावर 39 निकालने की कोशिश करते हैं, जो कि है 1 प्लस एक्स प्लस 2x स्क्वायर पावर 40, 1 प्लस x प्लस 2x स्क्वायर पावर 20, दिस इज 20,
यहाँ 20 है और हम लोग लुकिंग फॉर कर रहे हैं A39 जो होता है A39 दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 39। अब देखिए x पावर 39 को अगर हम इसमें गौर से देखें तो 39 की पावर बनानी पड़ेगी हमें इसके अंदर कि किस तरीके से हम इसके अंदर पावर बनाते हैं। सारी पावर अगर 20 की पावर इसको मिल जाती तो ये बन जाता यहां से कितना अपने पास निकल के आ जाता 40 बन जाता। अब मुझे 39 बनाना है तो इसके जनरल टर्म अगर आप लिखोगे तो वो बनेगा 20 का फैक्टोरियल, R1 का फैक्टोरियल, R2 का फैक्टोरियल, R3 का फैक्टोरियल, हम लॉजिकली भी निकाल सकते हैं, 1 की पावर R1 मल्टीनोमियल लगा रहा हूं मैं, x की पावर R2 और 2x स्क्वायर की पावर R3, 20 फैक्टोरियल, R1 फैक्टोरियल, R2 फैक्टोरियल, R3 फैक्टोरियल, 2 पावर R3 और x की पावर आ जाएगी R2 प्लस 2R3। ओके ये डेटा आया निकल के, तो सम कितना चाहिए हमें R2 प्लस 2R3 का मतलब ये है x की पावर हमें चाहिए कितनी 39, हमें ये चाहिए 39 और हम जानते हैं तीनों का सम कितना आना चाहिए चाहे वो R1 हो R2 हो या R3 हो, R1 R2 R3 सबका सम कितना आता है टोटल पावर 20 के बराबर। तो क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है जिससे हम इसका आंसर निकाल पाए, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबके डेटा किसके बीच में आते हैं R1 R2 R3 के, ये सब रहने वाले हैं R1 हो R2 हो या R3 हो सब 0 से 20 के बीच में रहेंगे। तो कोशिश करिए R3 को अगर हम 20 तक जा सकते हैं, R3 को अगर हम 19 रखते हैं तो R2 की वैल्यू 1 आती है, R3 की वैल्यू अगर हम 19 रखते हैं तो 19 का डबल हो जाएगा 38, 38 जाएगा तो R2 की वैल्यू आएगी 1 और 1 अगर हम रखते हैं यहां से तो R3 है 19 और R2 हो गया 1, ये दोनों मिलके बन गए हैं 20, तो फिर R1 की वैल्यू आती है 0। बनी बात, ये बनेगी बात, क्या ये पॉसिबल है ये हम देख लेते हैं, इज दैट पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है। 19 पावर इसको दे दिया 38 बन जाएगा, 1 पावर इसको दे देंगे तो 39 बन जाएगा मल्टीप्लाई के बाद, बस 39 तो हमें ढूंढना है तो हमारे पास A39 का डेटा आ जाएगा निकल के कितना, रखिए यहाँ पर, यहाँ आएगा 20 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R1 है 0 फैक्टोरियल दैट इज 1, R2 है 1 फैक्टोरियल और फिर आएगा 19 का फैक्टोरियल इंटू 2 पावर R3, R3 कितना है 2 पावर 19 है, तो कितना बनेगा अपने पास यहाँ से 20 बचेगा और ये बन जाएगा 2 पावर 19, दिस इज A39। ओके तो इसको हम लिख सकते हैं A39 का डेटा इतना आ गया है। तो हमें जो पूछा जा रहा है ये रहा, यहां पर हम बना सकते हैं इसको कितना कि ये है 20 इंटू 2 पावर 19, तो यहां तक का समेशन कितना आ जाएगा, इसको उधर शिफ्ट कर देते हैं तो हम पहुंच जाएंगे 2 पावर 19 इसमें भी है 2 पावर 19 इसके अंदर भी है, ये बन जाएगा 2 पावर 20 माइनस 1 एंड माइनस 20, तो 2 पावर 19 2 पावर 20 माइनस 21, चेक कर लेते हैं डेटा, 2 पावर 19 2 पावर 20 माइनस 21, 2 पावर 19 2 पावर 20 माइनस 21, गॉट इट। पूरा एक बार देख लीजिए क्या लिखा है मैंने कि यहां पर एक हमें अच्छा खासा, इस सारे क्वेश्चन बेटा जेई एडवांस लेवल के जो तुम्हें सिखा रहा हूं, लास्ट में हर चैप्टर के बाद में आपको ऐसे ही खतरनाक वाले क्वेश्चन जिसमें टाइम कंज्यूमिंग है वो वाले क्वेश्चन करा रहा हूं और फुल डिटेल में बता रहा हूं, ये जल्दी जल्दी भी हो सकते हैं लेकिन फिर थोड़ा टाइम आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए मैंने काफ़ी हर चीज़ लिख लिख कर आपको बता रहा हूं कि इसको आप ऐसे करिए, इस वाले को ऐसे ट्राई करिए, बन जाएंगी बातें। तो देखिए 1 + x + 2x² / 20 थी तो अब तक हम बाइनोमियल कोएफिशिएंट के क्वेश्चन देखे हैं, ये बन रहा है मल्टीनोमियल का क्वेश्चन, पूरा एक्सपेंशन तो उसने खुद ने भी दिया हुआ है तो हमें टेंशन क्या है, बनाने के बाद इसने सम ऑफ द कोफिशिएंट पूछा हुआ है तो हमने एक बार रख रखा एक बार माइनस वन रखा, ये स्टैंडर्ड अप्रोच होती है वो हमने किया और हमें A1 A0 चाहिए, A1 A3 चाहिए तो सब्सट्रैक्ट कर दिया, अगर वो A0 A2 पूछता तो ऐड कर देते, यहां भी पहुंच गए। यहां पहुंचने के बाद हमने देखा कि 39 आ रहा ज्यादा और यहां क्वेश्चन में 39 है ही नहीं, लास्ट टर्म C 37 है तो हमें 39 हमें निकालना चाहिए, तो इसके एक्सपेंशन में मल्टीनोमियल थ्योरम लगाई और ए कोफिशिएंट ऑफ A39 मतलब एक्स पावर 39 का कोफिशिएंट निकाला, जनरल टर्म लिखी, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, तीनों के फैक्टोरियल अलग अलग, फिर 1 की पावर R1 1, x की पावर R2 और 2x² की पावर R3,
कॉफिशियंट बन गया हमारे पास, दिस इज द कॉफिशियंट। अब x की पावर 39 चाहिए, यानी r2 प्लस 2r3 की वैल्यू 39 आनी चाहिए, और r1 प्लस r2 प्लस r3 की वैल्यू टोटल सम 20 होता है, और सबका समेशन 20 के बीच में रहता है, सबकी वैल्यू 20 के बीच में रहती है। तो एक पेयर सेट हुआ, इस पेयर पर लग रहा था, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पावर पहुंचानी है, तो फिर मैंने r3 को 19 पावर दे दी, ठीक है, क्योंकि 39 पहुंचाना है, तो डबल हो गया 38, बस और कोई पॉसिबिलिटी इसके अंदर नज़र आ नहीं रही। अगर हम R3 को कितना देते हैं, सपोज करो 18 देते हैं, तो 18 का डबल कितना होता है, 18 का डबल कितना होगा, 18 का डबल होता है 36, तो फिर ये 3 बन जाएगा। तो उस केस में R3 को 18 दे दिया है, R2 को 3 दे देंगे, तो 36 प्लस 3, अब देखिए दोनों का सम ही 21 हो गया है, जबकि अभी R1 और निकालना है, R1 नेगेटिव हो नहीं सकता, यानी ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। सबका सम कितना आना चाहिए, 20 आना ज़रूरी है, इसीलिए R3 की वैल्यू मैंने यहाँ पर 18 कंसीडर नहीं की है। गॉट दिस पॉइंट, R3 18, R2 3, तो दोनों का सम ही इसको सेटिस्फाई तो कर रहे हैं, लेकिन R1 नेगेटिव आ जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ एक ही केस आता है, R3 की वैल्यू 19 ले लो, R2 को 1 ले लो, और R1 को 0, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, डेटा आ गया हमारा, ये A39 आया है, यहाँ पर इसका डेटा रखा, तो 37 तक का डेटा कितना बन जाएगा अपने पास, ये जो लिखा हुआ है ये बना दिया मैंने इस जगह पर, इसको उधर भेजेंगे, कॉमन ले लिया, वी गॉट द आंसर ए। तो बेहतरीन क्वेश्चन था, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, इसको रीड करिए क्या लिखा हुआ है, और ट्राई करने की कोशिश करिए, जेईई IIT-JEE स्क्रीनिंग का 2001 का क्वेश्चन है, इसको हम ट्राई करते हैं कि क्या लिखा हुआ है, क्या इसके अंदर पूछा जा रहा है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर आप फोकस होकर देखें तो यहाँ लिखा है, इन अ बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ ए माइनस बी पावर एन वेर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। आर पहले क्या होता था बेटा, स्क्रीनिंग का एग्जाम होता था, ये जेईई मेन का एग्जाम तो जो अब सेपरेटली अब होने लगा है, पहले IIT वाले खुद का ही ऑब्जेक्टिव एग्जाम लिया करते थे, उसको बोला जाता था IIT स्क्रीनिंग, दिसंबर में होता था, वो हमारे टाइम पे भी वही था, मैंने 2003 में एग्जाम दिया था, ये 2001 का क्वेश्चन है, इससे 2 साल पहले का, ठीक है। तो होता यही था कि कैसे भी करके उनको ये बोलना होता था कि भाई, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर होता था, तो फिर कुछ स्टूडेंट्स को स्क्रीन करके हटाना पड़ता था, सिर्फ 10,000 या 12,000 स्टूडेंट को वो जेईई मेंस जो एडवांस लेवल का होता था उसके लिए अलाउ करते थे, जिनकी सब्जेक्टिव कॉपी चेक होती थी, ठीक है। तो जब जेईई IIT-JEE स्क्रीनिंग नाम से एग्जाम होता था, ठीक है, तो उसका एक क्वेश्चन है, मतलब ये तब की बातें हैं, आई थिंक आप 2001 में पैदा हुए नहीं थे, है ना, आसपास के होगा आपका डेट ऑफ बर्थ, तो तब भी बाइनोमियल थ्योरम था, तो हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन निकालना है इसका, जिसकी पांचवी और छठी टर्म का टर्म जीरो है, का समेशन जीरो करना है, तो कर देते हैं ना ये वाला काम भी, तो टर्म नंबर 5 निकाल लेते हैं और टर्म नंबर 6 निकाल देते हैं, टर्म नंबर ये दोनों जीरो आएंगे, इसका मतलब ये है कि टर्म नंबर 5 इज नेगेटिव ऑफ टर्म नंबर 6, तो टर्म नंबर 5 निकाल लेते हैं, 5 है तो 4 वाला फॉर्मूला लगेगा, कितना आ जाएगा, NC4 a पावर n माइनस 4 माइनस b पावर 4 इज इक्वल टू नेगेटिव NC5, ओके T6 निकालना है, तो a पावर n माइनस 5 एंड माइनस b पावर 5, गॉट दिस वन। अब हम सॉल्व कर लेते हैं इसको, NC4 का डेटा निकाल दीजिए, कितना आता है, ये आएगा n का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, n माइनस 4 का फैक्टोरियल, a पावर n माइनस 4 b पावर 4, n का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल, n माइनस 5 का फैक्टोरियल, और a पावर n माइनस 5 और नेगेटिव b पावर 5, बनाओ क्या बनती है कहानी, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो, n फैक्टोरियल कैंसिल है, कैंसिल कर देंगे, b पावर 4 है वहाँ b पावर 5 है, तो एक b बचेगा, और ये माइनस ये वाला माइनस भी प्लस हो जाएगा, हटा दो इस माइनस साइन को भी, तो बनाने की कोशिश करें थोड़ा, यहाँ भी देख लो, यहाँ a n पावर n माइनस 4 है, यहाँ a पावर n माइनस 5 है, तो यानी यहाँ a बचेगा, ओके। और देख लेते हैं क्या बचने वाला है, यहाँ b की पावर 5 है, यहाँ b की पावर 4 है, यानी सामने b बचेगा, और क्या बचता है वो भी देख लेते हैं, 4 फैक्टोरियल है, यहाँ 5 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा अपॉन में उधर, यहाँ 5 बचेगा, और चेक करते हैं, यहाँ n माइनस 4 का फैक्टोरियल, यहाँ n माइनस 5, ये 5
एन माइनस फाइव का फैक्टोरियल, एन माइनस फोर को हम क्या लिख सकते हैं, एन माइनस फोर को हम लिख सकते हैं एन माइनस फोर इंटू एन माइनस फाइव का फैक्टोरियल, और यहाँ भी है एन माइनस फाइव का फैक्टोरियल, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और कोई टर्म बची क्या? ए सॉर्ट आउट, बी सॉर्ट आउट, फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ए सॉल्व हो गया, सब सॉल्व हो गए। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ए बाय बी का जो डेटा आने वाला है वो आ गया है एन माइनस फोर अपॉन फाइव। तो ए बाई बी की वैल्यू आ गई एन माइनस फोर अपॉन फाइव, गॉट इट? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जेई वाले हमेशा टफ क्वेश्चन ही पूछते हैं, पूछा आसान पूछा है कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हट जाता हूं सामने से, ये बिल्कुल ना सोचें कि एग्जाम टफी क्वेश्चन टफी आने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है, डिपेंड करता है कि वो क्या पूछने वाले हैं। गॉट दिस पॉइंट? तो सीधा सा टर्म्स का समेशन कर दिया है, ये दिमाग में बात ना बैठा है कि जेई एडवांस में तो बहुत ज्यादा टफी सवाल आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी किसी किसी चैप्टर पर टफ आ जाता है, तो कभी कभी दूसरे चैप्टर पर ईजी भी आता है, मिक्स्ड क्वेश्चन होता है। ठीक है, मिक्स टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, वो हमें देखा क्या लिखा, ये आईआईटी में 88 का क्वेश्चन है। अब आईआईटी वालों ने कभी अगर इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है, ये ऑब्वियसली बात है सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो हम ट्राई करेंगे इसको करने की कि इसको किस तरीके से किया जाता है। फाइव रूट फाइव प्लस इलेवन पावर टू एन प्लस वन है, और जो f है वो है r माइनस r का इंटीजर। ठीक है, और फिर पूछा जा रहा है कि प्रूव करिए r इंटू f का डेटा, ये आने वाला है। ठीक है, चलिए रूट फाइव कितना होता है, रूट फाइव का डेटा कितना आता है आपको, 2.23 के आसपास या 2.21 के आसपास ही बनती है बात, गॉट इट? तो फिर एक काम करते हैं कि फाइव रूट फाइव और माइनस इलेवन अगर हम देखें एक बार, तो ये कितना डेटा आने वाला है, फाइव से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ टू ही रहता है तो यहाँ से 15 आ जाएगा, वन 11.15, सही है, फाइव से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं पहले भी, तो वही जेई वाला जो क्वेश्चन है उसकी हम प्रैक्टिस यहाँ पर कर रहे हैं कि इसको हम और किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर फाइव रूट फाइव माइनस इलेवन थे, तो इसको मल्टीप्लाई किया, रूट फाइव का डेटा इसके आसपास होता है, और ये दिख रहा है कि रूट 0.15 होता है। तो देखिए फाइव रूट फाइव प्लस इलेवन की पावर है 2n+1, जो कि गिवन है कि ये है r प्लस एफ। ओके, r का वैल्यू, ये r है ना, तो r कितना बन जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर r प्लस एफ। ओके, इसका एक्सपेंशन कर देंगे, 2n+1 सी जीरो, और सारी पावर मिल जाएगी किसको, 5√2 की पावर 2n+1। नेक्स्ट 2n+1 c1, 5√2 की पावर 2n and 11, एंड दिस प्रोसेस विल गोज ऑन। सिमिलरली मैं इसका कॉन्जुगेट लिखूंगा, 5√5 − 11 पावर 2n+1। ये तो हम जानते हैं कि हर नंबर का एक इंटीजर पार्ट होता है और एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है। जैसे अगर 11.25 है तो 11 इंटीग्रल पार्ट है, 0.25 उसका फ्रैक्शनल पार्ट है। अगर 12 है, 12 है, तो 12 इज ए इंटीग्रल पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट इज ए जीरो पार्ट। ठीक है, तो हमने देखा इसके कॉन्जुगेट को बनाया, क्योंकि जब भी इरेशनल टर्म आती है हमारे मैथमेटिक्स में, एक ही दिमाग में ख्याल आता है, ट्रिक आती है कि इसका माइनस साइन बना के कॉन्जुगेट क्यों ना लिखा जाए। तो कॉन्जुगेट लिख के देखा मैंने डेटा कि भाई इसका जो डेटा बन रहा है ये 0 से 1 के बीच में डेटा आ रहा है। अब 0 से 1 वाले नंबर की एक खास बात होती है, जैसे 1/2 है, 1/2 का स्क्वायर करो तो 1/4, और क्यूब करोगे 1/8, छोटा होता चला जाता है, बढ़ता कभी नहीं है। जो भी नंबर अगर ये 0 से 1 के बीच में है, जितनी ज़्यादा पावर्स करते जाओगे उतना वो छोटा होता चला जाता है। तो हमने अब इस नंबर की मैं पावर कर रहा हूँ 2n+1, एन जो है वो नेचुरल नंबर होगा, एन नेचुरल नंबर है, गिवन नहीं है, लिखा होना चाहिए एन इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, इंटीजर की बात कर रहे हैं तभी बाइनोमियल थ्योरम लगेगा। तो ये नंबर और छोटा हो जाएगा, यानी इसका एक इंटीग्रल पार्ट होगा और एक फ्रैक्शनल पार्ट होगा, लेकिन इंटीग्रल पार्ट जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, 0.15 का और स्क्वायर करोगे तो 0.02225 बन जाएगा, छोटा होता चला जाएगा, इंटीजर पार्ट जीरो रहेगा इसका। और यहां पर मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं, तो 2n+1 c0, 5√5 पावर 2n+1 प्लस 2n+1 c1, 5√5 पावर 2n मल्टीप्लाइड बाय -11, और ये भी समेशन चलता जाएगा। अब आप गौर से देखिए इसको क्या हो रहा है,
यहां पर ये जो एफ डैश मैंने बनाया है, हमें इरेशनल टर्म हटानी है क्योंकि सामने कुछ इस तरीके का डेटा आ रहा है कि इंटीजर आ रहे हैं आर और एफ का मल्टीप्लाई। करेंगे कोशिश बनाने की कि कैसे इसको बनाया जाए। तो देखिए यहां पर फाइव रूट फाइव पावर टू एन प्लस वन जो कि इवन ऑड नंबर होता है, 2n+1 यानी 3, 4, 3, 5, 1, तो 1 करेंगे तो 5√5 प्रेजेंट रहेगा, लेकिन अगले नंबर पर 2n पावर है। 2n कैसा नंबर होता है? 2n नंबर होता है कैसा नंबर होता है 2n? 2n नंबर होता है इवन, तो अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो √5 खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो बात? अगले नंबर में 2n-1 होगा, उसके अंदर भी √5 प्रेजेंट रहेगा, तो मुझे इरेशनलिटी हटानी है। तो अगर मुझे इरेशनलिटी इसकी हटानी है तो फिर मैं इन दोनों का लूंगा डिफरेंस। ओके, तो आर का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस एफ माइनस एफ डैश होगा क्या? आई विल टेक अ डिफरेंस ऑफ दीज टू टर्म्स, तो नेगेटिव नेगेटिव, तो दिस विल गेट कैंसिल्ड आउट, और ये नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव ऐड होकर 2 बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ 2n+1c1 5√2 का पावर 2n इंटू 11 एंड दिस विल गोज ऑन। बिकॉज ये 5√5 की पावर 2n है तो ये इंटीजर निकल के आएगा पूरा, तो हमारा जो डेटा निकल के आ रहा है वो ये आ रहा है 2 times, दैट इज एन इवन नंबर, पूरा मल्टीप्लाई हो गया, इंटीजर है 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो इवन बन गया है। देख लीजिए R प्लस एफ माइनस एफ डैश, ये डेटा पूरा बनेगा इंटीजर, इंटीजर डबल हो गया, इवन नंबर हो गया है, तो हम यहां पर पहुंच गए हैं। तो ये एक इवन नंबर है, अब देखिए ये एक इंटीजर है। ओके, तो ये एक इंटीजर है, तो f माइनस एफ डैश भी कैसा आना चाहिए? ऑफ कोर्स ये भी इंटीजर आना चाहिए। कैसे? ये अगर हमें नहीं मालूम, देखो ये इंटीजर इधर जाएगा तो इंटीजर में से इंटीजर सब्सट्रैक्ट होगा तो इंटीजर आएगा, यानी ये भी एक इंटीजर है। तो आइए बात बताते हैं, f के बारे में क्या पता था हमें? फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में, 0 से 1 रहता है। f डैश भी क्या मालूम है हमें? 0 से 1 रहेगा, फ्रैक्शनल पार्ट है इनके। ये जो लिखा हुआ है f क्या है? r माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी फ्रैक्शनल पार्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहती है। यहां पर माइनस साइन हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारी इनइक्वलिटी बन जाएगी कुछ इस तरह की। दोनों को मैं ऐड कर देता हूं, इनइक्वलिटीज में साइन अगर सेम हो तो हम ऐड कर सकते हैं। तो ग्रेटर ग्रेटर वाले साइन है, यानी यहां आएगा -1 और ये बनेगा f माइनस एफ डैश लेस देन 1। अब हमें मालूम है कि f माइनस एफ डैश इंटीजर आता है, तो तुम ही बताइए सोच के कि -1 से 1 के बीच में कौन सा इंटीजर रहता है, -1 से 1 के बीच में कौन सा इंटीजर रहता है, ये हमें कंक्लूड करके बताना है। तो -1 से 1 के बीच में एक ही इंटीजर रहता है और वो रहता है 0। कौन सा इंटीजर रहता है? 0। इसका मतलब क्लियर हो गया कि f डैश और f कैसे हैं? इक्वल हैं। ठीक है, फिर से समझाता हूँ क्या हुआ है, सुनने की कोशिश करिए, समझने की तैयारी कीजिए कि 5√5-11 ये बहुत कॉमन सी ट्रिक है, सबको क्लिक हो जाती है, क्या इरेशनल टर्म लिख के देखते हैं तो ये 0 से 1 के बीच का डेटा आ रहा है तो इसका इंटीग्रल पार्ट नहीं होगा, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि 0 से 1 के डेटा का जितना स्क्वायर पावर क्यूब 4, 6 करते जाओगे कभी इंटीजर नहीं बनने वाला और छोटा होता चला जाता है। तो फिर मैंने दोनों का डिफरेंस लिया क्योंकि 5√5 की पावर ऑड नंबर था तो ये इसको रैशनल इंटीजर बनने नहीं देगा, लेकिन जैसे ही 2n पावर आएगा तो 2 क्या करेगा? √5 को स्क्वायर बना देगा, तो वी विल सब्सट्रैक्ट देम। तो यहाँ हम पहुँचने के बाद ये देखा कि इधर इवन नंबर है, ये इंटीजर है तो इसको भी इंटीजर आना चाहिए। f f डैश की वैल्यू 0 से 1, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -1 से 1 के बीच में इंटीजर एक ही होता है 0। f डैश और f की वैल्यू आ गई सेम। पूछा क्या है, आप क्वेश्चन पे जाते हैं, r इंटू f करना है। r क्या होता है? ये r क्या होता है? इधर देखो r होता है f प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, ये रहा ये r ही तो है, दिस इज r, ये लिखा हुआ ना, दिस इज r और ये क्या है? f डैश। सो r और f डैश का मैं मल्टीप्लाई निकालना चाहता हूँ। r और f डैश का मल्टीप्लाई आएगा 5√5+11 power 2n+1 एंड 5√5-11 power 2n+1, क्योंकि f डैश किसके इक्वल है? f डैश, तो f ही है, अभी प्रूव किया हमने, और दोनों में a+b a-b का फॉर्मूला हम लगा देंगे तो यहाँ से बन जाएंगे हम 5√5 का स्क्वायर -11 का स्क्वायर, तो दिस विल बिकम 25 × 5 एंड 121 2n+1। ओके,
दिस विल बिकम कितना 125 से 121 जाएगा तो बन जाएगा 4 पावर 2n प्लस 1. आई थिंक एग्जैक्टली द सेम थिंग वाज आस्क्ड देयर. क्या आ जाएगा 2n प्लस 2 बना हुआ है 4 पावर. हमारे पास कुछ डेटा गड़बड़ हो गया क्या? 2n प्लस 4 लिखा हुआ है वहां पर r इंटू f 2n प्लस 1. नहीं नहीं मिस्टेक है, यहाँ 1 ही आएगा. यह मिस्टेक है, 1 ही आएगा. कोई दिक्कत नहीं है, हमारा डेटा बिल्कुल सही है. ऐड क्या है, मल्टीप्लाई क्या है, ठीक है. सो आर इंटू एफ में क्या फॉर्मूला लगा दिया हमने? फॉर्मूला लगा दिया ए प्लस बी और ए माइनस बी का. ये फॉर्मूला लगा दिया और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना दिया. तो 125 इंटू 121 दैट इज 4. तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यही आंसर आएगा इसका, ठीक है. तो जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही क्लियर है. एक टाइपिंग एरर था, हटा दिया हमने. इस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है, ठीक है गाइस. अब हम और बाइनोमियल के क्वेश्चंस जो होंगे वो सीखेंगे. यहाँ पर हमने कैसे क्या समझना, जब भी इरेशनल टर्म्स प्रेजेंट होती है यहाँ पर तो उसके कॉन्जुगेट को आप लिखिए और उसको बनाने की कोशिश कर दीजिए. ऐड करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा. यहाँ आना चाहिए इंटीजर, तो इंटीजर वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया, ठीक है. और फिर मल्टीप्लाई बोला है उसने क्वेश्चन में आर इंटू एफ, तो आर इंटू एफ हमने निकाल दिया. बस जो डेटा आएगा वो आंसर है हमारा, ये आया तो ये आंसर है. व्हाट इट एवरीवन, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा तक फॉलो करिए. और मैंने अगर आप प्लस के सब्सक्रिप्शन आएंगे, आना ही है, तो यूज़ द कोड ओम सर, आपको इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट वहाँ पर मिल जाएगा. और मैंने बता ही दिया आपको डिटेल बातें कि कैलकुलस का और अलजेब्रा का कोर्स में इसमें वेक्टर 3D कॉम्प्लेक्स नंबर तो है ही सही, वेक्टर 3D एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये पूरा टॉपिक. और इधर डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस जो 6 बजे में पढ़ाता हूँ प्लस पर, और जो 1 PM पे पढ़ाता हूँ अलजेब्रा कोऑर्डिनेट और वेक्टर 3D, ये 20 दिसंबर तक मैं ख़त्म कर दूंगा. तो आपके पास सुनहरा मौका पढ़ने का. यूज़ दिस कोड एंड कम टू प्लस प्लेटफॉर्म. थैंक यू सो मच.